G-Files, Big Debate. नमस्कार, आज चर्चा गुजरात की और अब चुनाव का प्रचार पीक पर है, नजदीक आ रहा है चुनाव, आखिरी के 10 दिन तय करेंगे जनता का मन। मतलब है कि और ये 10 दिन वो भी तय करेंगे कि स्विंग वोट कहाँ जाएगा और हम इन्हीं 10 दिनों की रणनीति पर जो है वो बात करेंगे कि जो आखिरी के फेज हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं आखिरी के फेजेस की, तो हम जान रहे हैं कि गुजरात में लगभग आधी सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन जो है विक्ट्री मार्जिन वो 10% से कम रहा है, लगभग आधी सीटें हैं। और ये लगातार हर चुनाव दर चुनाव ये विक्ट्री मार्जिन गुजरात में कम हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी में फासला जो है वोट शेयर का वो कोई 8-9% ही है। तो अगर ये जो 10% वाला विक्ट्री मार्जिन है ये इधर उधर होता है तो चुनाव के नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। और ये जो 10 दिन हैं आने वाले जब प्रचार बंद हो जाएगा पहले फेज के लिए, 5 दिसंबर को जो पहला फेज होगा, उसमें जनता का जो स्विंग वोट है, स्विंग वोटर जो है वो तय करेगा, जिसमें नया वोटर भी है, जिसमें वो बहुत सारा वोटर है जो नाराज होगा, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दोनों बीजेपी और कांग्रेस, हम आपको दिखाते रहे हैं पिछले कार्यक्रमों में भी कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने अपना जो वोट शेयर है उसको बरकरार करके रखा है साल दर साल। तो कांग्रेस 38-39 पे रही है और बीजेपी 44-49% तक रही है। ये जो इसमें स्विंग वोटर जो है वो बड़ी भूमिका तय करेगा और यही आने वाले 10 दिन होंगे जब ये स्विंग वोटर कहीं भी जा सकता है और जहां भी जाएगा उसकी किस्मत बदलेगा। एक बड़ा फैक्टर, तीसरा फैक्टर एक और है, जब ये लाइव शुरू होने से पहले हम और सहल और आप बात कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, वो किसका वोट काटती है। वो जिसका वोट काटती है वो इस स्विंग वोटर को प्रभावित करेगा और वो स्विंग वोटर जो है उसके हिसाब से इलेक्शन के नतीजों को प्रभावित करेगा। अब संजय जी, ये 10 दिन के लिए आप कैसी देख रहे रणनीति कांग्रेस बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की? फिर मैं आम आदमी पार्टी की स्पेसिफिक, क्योंकि सहल कुरैशी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो इनसे आम आदमी पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की ग्राउंड रियलिटीज के बारे में जानेंगे। संजय जी, देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था, जब चुनाव की चर्चाएं शुरू हुई, चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, उस वक्त ज्यादातर अखबार और जो सर्वे एजेंसीज हैं और जो टेलीविजन चैनल हैं वो सब बिल्कुल ये बता रहे थे ये चुनाव एक तरफा है, कोई मुकाबला ही नहीं है, बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, मतलब दूर दूर तक कोई खड़ा ही नहीं है, कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है और वो मुकाबले में ही नहीं है। और बहुत ही सटल तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से तीसरे दलों को, जिसमें AIMIM भी है और आम आदमी पार्टी को गया, ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके कि मुकाबले में कांग्रेस नहीं है तो मुकाबला इनके साथ होगा। और बड़ा तामझाम और बड़े प्रचार के साथ आम आदमी पार्टी बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ आई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, प्रचार आगे बढ़ा, तो बीजेपी को ये समझ में आने लगा कि ये जो आम आदमी पार्टी को मैंने फिट किया है ये दरअसल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की जगह बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। और वो धीरे धीरे इसको लेकर चिंतित होने लगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपना विस्तार ग्रामीण इलाकों में कर सके,
तो ज्यादातर सूरत और राजकोट और के आसपास और जो दक्षिण गुजरात के और कुछ इलाके चल हैं ही नहीं रहा है। उधर जो है वो अपना विस्तार शहरी इलाकों में तो पे करती रही, और बीजेपी को लगा कि उनका दाव जो है गलत पड़ गया, लिहाजा अब आम आदमी पार्टी को खेल से बाहर करने की कोशिश हो रही है, और आम आदमी पार्टी अब अपने सर्वाइवल की लड़ाई वहां लड़ रही है। सवाल है कि एक फिल्म आपने देखी होगी डॉन, डॉन फिल्म में एक डायलॉग है कि अगर याददाश्त बिना किसी कारण के जाती नहीं है तो बिना किसी कारण के वापस कैसे आ सकती है। तो सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी बिन किसी कारण से आई थी तो किसी कारण से जाएगी, तो अब देखिए दिल्ली और तमाम जगह में वो कारण पैदा किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, ये मसाज करवा रहे हैं, ये जेल के अंदर क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं टिकट देने के, ये पैसे बांट रहे हैं गुजरात में, तो अब इनको खेल से बाहर किया जा रहा है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि खेल से बाहर करने की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही की। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि कांग्रेस जो है चुपचाप जो है बहुत सारे सभा कर रही है, भाई बीजेपी वालों जरा ध्यान दो इसको कि छोटी छोटी सभाओं से ऐसा ना हमारा खेल खराब कर दे। तो मोदी जी जी ने पहली बार कांग्रेस को मैदान में लाया, और कांग्रेस अपना काम कर रही थी लेकिन उसको जो मीडिया के पटल पे लाने का काम मोदी जी ने ही किया, और बाद में इसी को आगे बढ़ाया अमित शाह ने। अमित शाह ने भी जी कहा कि मेरा मुकाबला कांग्रेस से है, मेरा मुकाबला आम आदमी पार्टी से नहीं है। और आगे चलकर कई और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि गुजरात में तीसरी शक्ति के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही हो रहा है। जाहिर सी बात है जिस फ्रिंज वोट की बात आप कह रहे थे 10%, इसी 10% फ्रिंज वोट पे आम आदमी पार्टी की नजर थी और नजर है, और इसको ही दोनों कांग्रेस और बीजेपी न्यूट्रलाइज करके सीधे मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं। मैं शहर के पास आऊंगा क्योंकि वो अहमदाबाद में हैं और अपने अपने मीडिया हाउस के लिए गुजरात को कवर करते रहे, करी करी रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं। आपकी बात से मैं दो चीजें समझ में आती हैं। एक कि क्या आम आदमी पार्टी, मेरा सवाल शहर से होगा ये कि क्या आम आदमी पार्टी समय से पहले पीक कर गई और वो या तो स्टेबल हो गया या वो नीचे जाएंगे, यहां से ऊपर नहीं जाएंगे। जो उनका गुब्बारा था वो पूरा फूल चुका। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि स्विंग वोट जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी का नुकसान करेगी, मैं शहर एक बात आपको एक आंकड़ा केवल देता हूं और एक फेर दिखा देता हूं कि पहले फेज में जिन जगह पे चुनाव होंगे उनमें उन 89 सीटों में 19 जिलों में चुनाव होंगे जिसमें कच्छ, मोरबी, राजकोट, सूरत, भावनगर और अमरेली है। मैं सूरत पे बात करता हूं। सूरत में बीजेपी 16 सीटें हैं विधानसभा की सूरत जिले में सर, और उस 16 सीटों में जी 15 सीटें जो है पिछले इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में बीजेपी ने जीती थी। बिल्कुल दूसरा नतीजा, सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने वहां जीत ली थी। किसका नुकसान करने जा रही है आम आदमी पार्टी सर? बिल्कुल सर, देखिए बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि पहले फेज में जो चुनाव हो रहे हैं जो 89 सीटों पर, तो सूरत उसमें काफी अहम है क्योंकि सूरत की 16 में से 15 सीटें, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो गोपाल इटालिया है, वो सूरत के ही एक इलाके से लड़ रहे हैं चुनाव। जो पिछले निकाय चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें वहां पर जीती थी। दूसरा सर, कि थोड़ा सा इसको देखें पहले फेज के मुताबिक, कि 89 सीटें जो है उन 89 में से तकरीबन 35 सीटें, सूरत की सीटों को भी उसमें मिला दें, 35 सीटें दक्षिण गुजरात से आती है, और इन 35 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती थी, माफ कीजिएगा 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी सर।
अब जो आम आदमी पार्टी का आपने कहा, क्योंकि जैसे जून में आम आदमी पार्टी ने जब अपनी शुरुआत की थी चुनाव के प्रचार की, तो आपने सही कहा कि गुब्बारा खूब भरा गया, तब उससे ऊपर तो जाएगा नहीं, या तो वो फूट जाएगा या उसमें हवा कम होगी। तो ये है, हवा कम होना शुरू हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से संजय जी ने जो बातें बताई कि मोदी जी खुद ही कांग्रेस के बारे में जो बोला उन्होंने, क्योंकि उनको डर था कि आम आदमी पार्टी कहीं नुकसान पहुंचाई चीजें, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी। सूरत की अगर बात करें, पिछले निकाय चुनावों में बिल्कुल 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन उसके बाद उसमें से कई लोग वापस से बीजेपी में चले गए। काउंसिलर जो 27 निकाय चुनाव जो जीते थे काउंसिलर, वो वापस भी गए बीजेपी के अंदर। गोपाल इटालिया चेहरा है आम आदमी पार्टी के, बिल्कुल। सूरत जो जगह है, क्योंकि सभी को पता है इतना बड़ा पटेलों का आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में थे, सबको लगता था कि बीजेपी वहां पर हारेगी सूरत में, इतनी सीटें वहां से कांग्रेस को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान सूरत में हुआ था। तो इस बार जो है, क्योंकि हार्दिक पटेल जो पटेल आरक्षण का बड़ा चेहरा थे, वो चले गए बीजेपी के अंदर। दूसरा, रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, आप देखिए आम आदमी पार्टी में गोपाल इटालिया चले गए, लेकिन गोपाल इटालिया सर जिसकी उपज थे आरक्षण रिजर्वेशन की, वो आरक्षण पे बात नहीं करते हैं। दूसरा, पिछले दिनों जिस तरीके से एक बड़ा फैसला आया ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, तो कहीं ना तो कहीं कहीं ना पटेलों कहीं का बड़ा तबका मानने लगा है कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार ने जो फैसला ये आया है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से, ये कहीं ना कहीं पटेलों के लिए फायदे वाला फैसला है। तो पटेलों के अंदर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जो नुकसान आम आदमी पहुंचाना चाहती थी, वो पहुंचा नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ तरफ डैमेज कंट्रोल मोदी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी डैमेज कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए इस बार हैरानी की बात है कि बीजेपी सबसे ज्यादा पाटीदार पटेल उम्मीदवार उतारती थी मैदान में, हमेशा जो चुनाव होते थे उसमें, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा पटेल उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। तकरीबन 45 उम्मीदवार उतारे हैं, पटेल हैं, पाटीदार हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने 40-42 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे कम 19 या 18 उम्मीदवार उतारे आम आदमी पाटीदारों के। तो ये कहीं ना कहीं दोनों जो नूरा कुश्ती है, दिखाया ये जा रहा है कि पटेल वोटों की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी पहले ये था कि कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस लड़ाई की तरफ होती से थी लड़ाई पटेलों का वोट लेने के लिए। जी। सहल का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। संजय जी आपके पास मैं वापिस आ रहा हूँ। जो जो बात जितनी सहल ने बताई जो समझ में आई कि सूरत में आम आदमी पार्टी भले ही वो चुनाव जीतने के बाद वो चले गए हों बीजेपी में, लेकिन जनता ने तो उनको वोट दिया था, तो आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी प्रेजेंस वहां पे है और उस प्रेजेंस और दूसरी जो को चीजें सर आपने बताई, जो पहले जो फेज जी में मोरबी और दूसरी जो चीजों में हो रहा है सौराष्ट्र में जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ये नजर आ रहा है। वहां पर कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि 33 सीटें जो पहले फेज में हो रहा है उसमें 33 सीटें सौराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी ने जीती थी 2017 में, लेकिन कांग्रेस सर पहले से वहां पर 10 सीट माइनस में चल रही है, क्योंकि जो 33 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी उसमें से 10 सीटें तो 10 लोग तो वापस बीजेपी में चले गए थे, और वही 10 बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं अभी। तो कांग्रेस सीधे सीधे वहां पर 10 में माइनस में चल रही है, और आम आदमी पार्टी जो शुरुआत जो की थी आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार की, तो वाकई में बड़े दमखम के साथ में वो लोग उतरे थे, लेकिन आखिर में जो जोर लगाना चाहिए चुनाव के आखिर वक्तों में, तो वो जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। सहल, सिर्फ एक एक आपसे एतराज, या एतराज क्या मेरा पॉइंट है आपसे, थोड़ा सा असहमति माफी के साथ, जी कि सर, जी सर, जब विधायक या सांसद रिसोर्ट में जाकर या पैसे लेकर एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाता है तो जनता दल नहीं बदलती है, विधायक दल बदलता है। जनता ने तो उसको वोट दिया ही था, और बहुत से मामलों पे आप देखिएगा कि जनता जब दोबारा ऐसे बागी लोग या दल बदलू खड़े होते हैं तो अब जनता उनको एक ट्रेंड भी दिख रहा है कि जनता उनको पनिश भी करती है, ये भी है, ये भी है। बिल्कुल सर, ये है। लेकिन आप गुजरात का थोड़ा सा देखें तो गुजरात में ये चीज ज्यादा मायने नहीं रखती है, देश के दूसरे राज्यों में चीजें मायने रखती है, गुजरात में इतना ज्यादा नहीं है। हम बात करें जैसे अभी पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं, तो जो आदिवासी बेल्ट है वहां पर कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी,
लेकिन वहां के दो नेता कांग्रेस के जीते हुए वो बीजेपी में चले गए और उपचुनाव में वो जीत कर आए और दोबारा बीजेपी आने बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद वो जीत गए दोनों सीटें। तो गुजरात में जो रहता है इसी तरीके से जो सौराष्ट्र की जो मैंने बताया 10 लोग जो चले गए थे और इस बार बीजेपी ने भी जो टिकट दिए हैं जो लोग कांग्रेस में से आए थे उनमें 20 लोगों को टिकट दिए हैं बीजेपी ने तो, और उसमें से कई लोग जीते भी उपचुनाव के अंदर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जो लोग आए थे वो लोग बाकायदा बीजेपी के परचम पर जीतकर आए हैं और विधायक बने हैं दोबारा। तो गुजरात के अंदर यही मैं कहूंगा सर कि दूसरी जगहों पर ये बिल्कुल होता है। अल्पेश ठाकुर ऐसा एक यहाँ पर है कि वो पार्टी बदलकर लड़े थे और वह हार गए थे, बाकी उनके अलावा दूसरा देखे तो ज्यादातर ने जीत हासिल की है सर। अच्छा देखिए संजय जी, आप गुजरात के, संजय जी आपको आवाज आ रही है मेरी? धनंजय जी को आवाज नहीं आ रही शायद, आपकी आवाज कनेक्ट हो जाए तो फिर आपको लेते हैं हम डिबेट में। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बस ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आपके पास आएगा, पहले संजय जी से बात कर लेते हैं, जब तक आप स्टेबल हो जाइए, अपना कैमरा स्टेबल कर लीजिए। संजय जी, पाकिस्तान आ चुका है चुनाव में, पिछली बार भी पाकिस्तान आया था, बिल्कुल आखिरी वक्त में चुनाव हुए पाकिस्तान आया था, तो पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान के आने का मतलब ये होता है कि जब बीजेपी जो है वो शेकी ग्राउंड में है तभी पाकिस्तान आता है, या वो अपनी विक्ट्री को इंश्योर करना चाहती, यानी अपने जो कोर वोटर है। अब गुजरात में क्या हो रहा है कि दोनों, इस बात की चर्चा मैं पहले भी करता रहा हूं कि दोनों पक्षों में यानी बीजेपी और कांग्रेस में वो वोट है उनका, एक पक्का वोट अपना है, और बीजेपी 27 साल सत्ता में तो बीजेपी का तो है ही, लेकिन कांग्रेस का भी एक वोट वहां पे है, कंस्टिट्यूएंसी है, और वो कंस्टिट्यूएंसी कांग्रेस की तमाम सारे पोलराइजेशन के बाद भी हिली नहीं है, वो उतना मेंटेन किया उन्होंने। तो एक तो रणनीति कांग्रेस की ये दिखाई दे रही है पिछले दिनों में कि वो अपना जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश है, और दूसरा कि वो स्विंग वोट जितना ला सके तो वही तय करेगा। राहुल गांधी अभी होकर आए, 2 रैलियां उन्होंने की, तो बहुत विश्लेषक वहां पे उसको बहुत इंथुजियास्टिकली नहीं लिया है लोगों ने, लेकिन कांग्रेस के वर्कर का उत्साह बढ़ता है, पार्टी के बारे में चर्चा होती है, और वो एक ऐसी पार्टी जिसकी जमीन वहां ऑलरेडी है। तो ये जो पाकिस्तान आ रहा है जिसकी चर्चा आपने की कि अचानक बीजेपी हमलावर हो गई है पीछे के रास्ते से आम आदमी पार्टी पे, पीछे के रास्ते से मतलब कि वीडियो लीक हो रहे हैं सचिन जैन के, प्रधानमंत्री मोदी के हमले पे कांग्रेस वापस आ गई है, और आज ही मेरी एक वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता से बात हो रही थी जो कि दलित आंदोलन में और इन सब में काफी सामाजिक न्याय के आंदोलन में जुड़े हुए रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ, और सहेल आपसे भी पूछूंगा ये, कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम एंटी मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं करती है, क्योंकि गुजरात में 48% ओबीसी वोट है और 11% पाटीदार वोट है, तो ये जो 11% 48% है यही गुजरात की सरकार बनाता है। तो बीजेपी एंटी दलित पोलराइजेशन भी करती है ओबीसी में इनफॉर्मली, मतलब अंदर के संदेशों से, मैसेज व्हाट्सएप और आरक्षण को लेकर, इन सब बातों को लेकर वो एक मुहिम चलाती है, जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ चलाती है। तो संजय जी, आप इसको, ये जो 10 दिन के रणनीति है कांग्रेस कंसोलिडेशन के लिए क्या कर रही है, बीजेपी जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आ चुका है और आफ्ताब भी आ चुका है वहां पे, असम के मुख्यमंत्री भी जाके बोलना शुरू कर चुके हैं, ये बीजेपी अपनी अपनी होम ग्राउंड पे अपनी पिच पे, और वो केवल नए वोटर के लिए, ये अपने वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए, सहल मैं आपके पास आऊंगा, अपने वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए वो ये मैसेजिंग करते हैं।
देखिए, आपने जो कहा कि जो कोर वोटर दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस का, ये पिछले 30-40 सालों से गुजरात में रहा है, जी जी और जो कांग्रेस का वोटर है वो कांग्रेस का ही वोटर है, जो आरएसएस का वोटर है वो बीजेपी का वोटर है, उसको आप ज़्यादा हिला नहीं सकते, वो अपनी जगह स्टेगनेंट है। बाकी जो फ्लोटिंग वोटर है उसी पे दोनों दाव लगा रहे हैं कि ये हमारी तरफ आ, ये हमारी तरफ आ, और एक तीसरा आदमी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो तीसरा आदमी, जैसा कि साहल ने बिल्कुल सही कहा कि गुब्बारे की हवा निकलने लगी है, तो आम आदमी पार्टी ने अब अपने को 6-7 सीटों तक सीमित कर लिया है, केंद्रित कर लिया है, और वो ज्यादातर चुनाव प्रचार जो है गोपाल इटालिया है, इशुदान गढ़वी है, अल्पेश कथीरिया है, राजेंद्र सिंह परमार है, विपिन चौधरी हैं, अरविंद गमित हैं, इन्हीं लोगों के चुनाव क्षेत्र में इनके बड़े नेता जा भी रहे हैं, वहीं सभा कर रहे हैं और वहीं पर अपनी ताकत भी लगा रहे हैं। और इनमें से आप देखिए कि 4 सीट जो है वो कांग्रेस की है और 2 सीट बीजेपी की है। तो अगर ये डेंट करेंगे तो जो 2 सीट बीजेपी की है, नहीं गोपाल इटालिया का जो सीट है वो मुश्किल है, क्योंकि वहां 70% वोट पिछले बार बीजेपी को आया था, होगा, तो 70% वोट को वो 75% वोट ले आएंगे गोपाल इटालिया, और कांग्रेस बैठ के माला फेरती रहेगी। तो इसलिए गोपाल इटालिया को आप माइनस ही कर दीजिए। रही बात इशुदान गढ़वी साहब की, तो उनका भी जो है वहाँ भी कांग्रेस का के सीट से वो खड़े हैं, आपको खंबालिया से, जहाँ कांग्रेस को करीब 50% वोट आया था, तो वहाँ अगर उनकी वो कांग्रेस अपनी, का संजय जी, उनकी अपनी सीट से, उनकी अपनी सीट का तो जो आपने आंकड़ा बताया वो तो समझ में आया कि बहुत लंबे मार्जिन से चुनाव हारे थे, लेकिन नहीं, मैं वो वही मुख्यमंत्री बताना पद चाह का रहा हूँ। चेहरा है, वो नहीं, मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। वो डेफिनेटली मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पिछली बार वहां तो जमानत ही जब्त हो गई थी ना उनके, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की। जी तो सवाल ये है कि 500 भी वोट नहीं आया था मेरे ख्याल से, जहां अगर मैं सही हूं तो। तो जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी की तैयारी है वो जैसा आप भी बता रहे थे और साहिल भी बता रहे थे, ये जो पाटीदार आरक्षण का जो मामला है, उस मामले को बीजेपी जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, उसको वो घुमा फिराकर पटेलों में चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल व्हाट्सएप में इसमें उनको थोड़ी कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन कांग्रेस भी जो बीजेपी की इस कोशिश की हवा निकालने में लगी हुई है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये जब मोदी जी को ये लग रहा है कि ये बहुत कामयाब नहीं है, तो वो कई बार बहुत अंतर विरोधी बात बोल रहे हैं। अब जैसे देखिए कि उन्होंने कल ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल में कांग्रेस ने देश को तो बर्बाद किया ही, गुजरात को भी बर्बाद कर दिया, और उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि गुजरात को मैंने बनाया है। से ही हो सकती है, या तो आपने गुजरात को बनाया है या कांग्रेस ने उसको बर्बाद कर दिया है। तो दरअसल ये अब अपने ही स्टेटमेंट में ये फंस रहे हैं, और अगर कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया तो 27 साल से आपकी सरकार है वहां, जिसमें 15-20 साल आप मुख्यमंत्री थे, 8 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप वहां आखिर कर क्या रहे थे? क्या गुजरात को रिबिल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? ये सवाल आज वहां जनता पूछ रही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो आरएसएस का वोटर हो, चाहे वो कांग्रेस का वोटर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा वोटर हो, इन सब को जब वो बात कर रहे हैं चुनाव की, तो अपने गैस सिलेंडर की ओर देख रहे हैं। ये जब बात कर रहे हैं चुनाव की, तो अपनी नौकरी की ओर देख रहे हैं। ये जब बात कर रहे हैं चुनाव की, तो देख रहे हैं हमारे घर में रोजगार की कितनी कमी हो गई है, हमारा जीवन कितना मुश्किल हो गया है, और इसकी झलक आपको पूरे गुजरात में, चाहे वो वोटर किसी का भी हो,
उसके मन की ये पीड़ा सामने बार बार आ रही है और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बहुत सारे समीकरणों को तोड़ फोड़ करके और हो सकता है एक बहुत ही निर्णायक मैंडेट आपको देखने को मिले। अब वो निर्णायक मैंडेट कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका स्वाद कैसा होगा, वो किस रूप में किसे प्रभावित करेगा, मैं नहीं कह सकता इस समय, मगर किसी निर्णायक मैंडेट की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। एक बात ऐड कर दूं केवल मैं सेल्फ, उसके बाद आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं 90 के दशक से गुजरात जाता रहा हूं रिपोर्टिंग करने, और जब वहां पे डांग में हिंसा हुई थी तब भी मैं गया था, जब अर्थक्वेक आया था तब भी मैं 8-9 दिन के लिए गया था, जाता रहा हूं। और गुजरात में एक बात जो मुझे समझ में आई है कि जो कांग्रेस इतना हिंदुत्व कार्ड के बावजूद एक अपना वोट शेयर बनाए हुए है, उसका एक कारण यह है सर कि जो मैंने देखा कि गुजरात में जो रूरल गुजरात है, उस गुजरात में सामाजिक न्याय का आंदोलन और विमर्श नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, इसकी रिपोर्टिंग कम होती है। और आज भी मैं बात कर रहा हूं लोगों से, जब वहां पे जो सामाजिक न्याय के आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं, आज सुबह ही बात हुई मेरी। अब सर बताइए कि आप कुछ कह रहे थे, हाँ फिर आपसे सवाल भी पूछूंगा। जी सर, आपने सही कहा, क्योंकि रूरल में यहाँ पर हर जगह कांग्रेस का एक कोर वोटर हमेशा से रहा है, और दूसरा आप 2002 के बाद तो देखें तो अक्सर ये हकीकत है कि कांग्रेस ने हमेशा गेन किया, बीजेपी हमेशा कम होती गई है। और हुआ ये है कि बीजेपी बोनी हो गई और मोदी का कद बढ़ता गया, बीजेपी की सीटें कम होती गई, मोदी बनते गए, ये हमेशा हुआ। दूसरा, जो संजय जी ने जो बातें कही कि पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई, तमाम चीजें अभी आज ही कायदे की, हम सूरत की जो बात कर रहे थे तो ये एक हकीकत है सर, मेरी बात से बहुत लोगों को आपत्ति होगी, लेकिन जो गुजरात का जो पटेल बिरादरी है वो बहुत कट्टर बिरादरी मानी जाती है पटेलों का जो है। अब सूरत की जो 15 सीटें जो जीती है बीजेपी ने, आज ही सूरत के कॉलेज के अंदर लव जिहाद का आरोप लगाकर 3 मुसलमान लड़कों को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। यानी अब सीधी बात आप सोचिए कि एक हफ्ते में वोटिंग है, वहां पर माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, ये एक घटना हुई। दूसरी एक और घटना यही के करीब की, खेड़ा की एक घटना है कि आईटीआई के अंदर विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग घुस गए और उन्होंने वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया कि आईटीआई के अंदर बुरके वाली और दाढ़ी टोपी वाले नहीं होने चाहिए, इसके खिलाफ आप वो करें। और प्रिंसिपल ने फौरन वहां पर एक बैठक बुलाई, एक कमेटी बनाई और कहा कि ठीक है हम इस पर बात करेंगे। यानी नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया इन्होंने अभी से। मोदी जी भी जो भाषण दे रहे हैं वो यही इसी तरह के सारे भाषण दे रहे हैं। अब आसाम के मुख्यमंत्री यहां पर आकर कहते हैं कि जब हिंदू एक शादी करेगा तो फिर दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करने की इजाजत देनी चाहिए। तो ये इस तरीके के थोड़े थोड़े वो शगुफे छोड़ छोड़कर माहौल को पूरा खराब करने की और बिगाड़ने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। दूसरा बात, जो आदिवासी और यहाँ की जो बात है जहां केजरीवाल कोशिश में लगे हुए हैं, सर यहाँ पर आदिवासी का जो मामला है, मोदी जी ने एक रैली के अंदर कह दिया कि कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति हमारे उम्मीदवार का विरोध किया था, आदिवासी के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, ये उन्होंने कहा। उसके बाद में राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, और इसके अलावा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें मेधा पाटकर के साथ में राहुल गांधी से कंधा मिलाकर चले, कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई आदिवासियों को, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो मोदी जी ये तो जरूर बताते हैं कि भाई गुजरात का पानी रोकने की कोशिश की थी मेधा पाटकर ने, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आदिवासियों के लिए काफी बड़ी हामी बनकर हमेशा मेधा पाटकर खड़ी रही है, और आदिवासी हमेशा से कांग्रेस का अच्छा वोटर रहा है। तो जो बातें हमारी शुरुआत में जो हुई कि जो कम मार्जिन की जो सीटें हैं वहीं पर आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना, शुरुआत में बहुत ही गुब्बारे में हवा भरना, फिर कमजोर हो जाना, और अब जिस तरीके से अचानक से दाऊद इब्राहिम भी आ गया इलेक्शन के अंदर, आप देखिए गुजरात में पाकिस्तान भी आ गया, हिंदू मुसलमान का एंगल भी आ गया। आज एक गुजरात के एक छोटे से अखबार ने एक खबर छापी है बहुत बड़ी हेडिंग बनाकर कि नरेंद्र मोदी को दाऊद इब्राहिम ने धमकी दी है। तो कुल मिलाकर यही होता है सर कि एंड ऑफ द डे गुजरात, क्योंकि प्रयोगशाला है ये, तो इनको इन्हें पता है कि जो हिंदुत्व के नाम पर जो तीर यहां पर छोड़ा जाएगा वो बिल्कुल कामयाब होगा। तो एंड ऑफ द डे यही होने वाला है सर यहां पर। दाऊद इब्राहिम का तो खैर होक्स था,
लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था सर कि ये जो बीजेपी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ये सारी चीजें, धनंजय जी आपका अगला सवाल आपसे होगा, ये सब चीजें जो ला रही है बीजेपी वो केवल और केवल, और कांग्रेस भी ये कर रही है जिस मेधा पाटकर और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, कि दोनों खेमे अपना अपना जो कोर वोट शेयर है उसको बचाने में पहले लगे हुए हैं। अब वो अंतिम 10 दिन जो अब बचे हैं, इसीलिए मैंने आज जो प्रोग्राम का फोकस रखा है कि अंतिम 10 दिनों में क्या होगा, अंतिम 10 दिनों में या अंतिम 5 दिनों में वो स्विंग वोटर पे कुछ ना कुछ वो होगा, इसीलिए राहुल गांधी को देर से उतारा गया है, क्योंकि तो कांग्रेस आश्वस्त है कि उसका कोर वोटर उसके पास है और वो स्विंग के लिए उनको उतारा गया है। यही यही नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, यही काम अमित शाह भी लगातार कैंप किए हुए हैं, और यही काम, और जो कोर वोटर का मामला है, क्योंकि मीडिया की, धनंजय जी, मीडिया की खबरें जो हम देख रहे हैं बहुत सारी, और मैं जान रहा हूं बहुत से लोगों से बात हो रही है, बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चों पर गुजरात गए हैं, शहर जानते होंगे, वो आपको दिख रहे होंगे दिल्ली के कुछ लोग, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत लोग आए हैं, मैं उनके मोटा मोटा नाम लेना पैकेज नहीं लेकर आए हैं। चाहूंगा को, लेकिन ये हो रहा, तो किसी मीडिया की रिपोर्ट पे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इश्तिहार छपे हैं कि 20 रुपए गन्ने की जो है वो कीमत बढ़ रही है, खरीद मूल्य बढ़ रहा है पंजाब में, और विज्ञापन गुजरात में छप रहा है, तो ये छप रहा था, तो मीडिया के रिपोर्ट्स में आपको बहुत ऑब्जेक्टिव, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग खुद मीडिया हैं और इतने सारे ऑब्जेक्टिव खबरें नहीं आ रही हैं, उन ऑब्जेक्टिव खबरों के लिए फोन करना पड़ता है लोगों को। धनंजय जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप, मेरी आवाज आ रही है आपके पास आ रही है, आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी? देखिए, जो कुरैशी साहब कह रहे हैं वो मोदी जी पिछले 25 सालों से कह रहे हैं, या आरएसएस तो लंबे समय से कह रही है, लेकिन मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद जो लगातार देश में हुआ है उसको गुजरात के लोग भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है उनका तेज धीरे धीरे कम हुआ है, और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि गुजरात के लोगों ने भी देखा कि भाई मोदी जी इतने साल से इस प्रदेश में रहे मुख्यमंत्री, और अब देश में चले गए प्रधानमंत्री बन करके, तो मुसलमानों के जीवन में उन्होंने डायलॉग करने के अलावा क्या बदलाव किया, या हिंदुओं के जीवन में क्या बदलाव आया, क्या राम मंदिर बन जाने से, या 370 हट जाने से, या नारेबाजी से, क्या गुजरात की जनता के जीवन में कोई बदलाव आया है? हमें जहां तक पता चल रहा कि वहां लोग महंगाई और ये सब तो है अपनी जगह, हालांकि मैं मानता हूं कि जब हिंदू मुसलमान करने लगते हैं या कुछ बड़े पर्सपेक्टिव में बात करने लगते हैं तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ग जो है वो समझदार वर्ग है, वो समझ रहा है, और मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी उन्हीं वर्गों के बीच छोटी छोटी सभाएं कर करके जागरण फैलाने की काम की बात कर रही है, जागृति फैला रही है। तो मुझे लग रहा है एक तो कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ इस बार आई है, पूरा उसका प्लानिंग है कि कैसे हमको चुनाव जीतना है, और बीजेपी के पास इस बार जो है मलिनता है, वो चाहे मोदी जी मलिन हो गए हों या गुजरात के मुख्यमंत्री पूरे तौर पे इस बार जो है गौन हो गए हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री का प्ले दिख नहीं रहा। बाकी ये ठीक कह रहे हैं कुरैशी साहब कि पटेलों में कट्टरता है, जो दबंग जातियां होती हैं थोड़ी वो लीड लेती हैं, लेकिन जो बाकी जातियां हैं, चाहे आदिवासी है या मुसलमान है या जो दलित लोग हैं, उनके बीच क्या वोटों का बिखराव है? तो कुरैशी साहब हालांकि इस पे बेहतर बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू जातियों में भी अब जितना कंसोलिडेशन जो पहले होता था वो अब शायद नहीं है। जैसे मैं बिहार की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, तो मोदी जी का जो पहले जो उसकी उनकी जो चमक थी, उनके नाम पे जो लोग जिस तरह से बात करते थे एग्रेसिव, और कांग्रेस को गालियां देते थे, अब वो चीजें हट गई है,
और राहुल गांधी की जो पदयात्रा है और जो राहुल गांधी के खिलाफ जो कांग्रेस के अंदर जो लोग थे और जो उनको नेता नहीं बनने दे रहे थे, वो सारी स्थितियां बदली है। अब आम आदमी पार्टी का तीसरे धड़े के तौर पे आना और ये कहना कि वो जो है कांग्रेस का वोट काटेगी, मुझे मुझे इस पे यकीन नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि ये बताएं हमें कि जो पिछली बार जब 29 सीटों पे लड़ी थी आम आदमी पार्टी तो कितना वोट आया था, और इन 5 वर्षों में केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि जनता प्रभावित हो गई। अगर सिर्फ नारेबाजी से जनता चलती होती है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। नारे के साथ साथ एक देखिए, देश में एक निराशा का वातावरण है, कहीं भी जाएं, इंडस्ट्री हो या सड़कें हो या जो जिस तरह से मोदी जी ने एक लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है वो सारी बातें हो, तो सामान्य आदमी भी इन बातों से दुखी है और उसको लग रहा है कि मोदी जो मोदी जी में जो संभावना दिख रही थी पहले कि मोदी जी जाएंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, वो चीजें बदल गई है। अब उनको मालूम है मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी वही हिंदू मुसलमान करेंगे, मोदी जी वही पुरानी कहानियां दोहराएंगे। अब दाऊद की बात कर रहे हैं, दाऊद को तो उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव जो पहला लड़ा था उसके पहले भी कहा था, उन्होंने जब प्रधानमंत्री बनने से पहले के चुनाव में तो दाऊद को पकड़ के ले आ रहे थे हिंदुस्तान, तो दाऊद के साथ फिर चर्चा नहीं हुई, तो ये किसको पकड़ करके लाए हैं? ये केवल जो है जो निर्दोष लोग हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं। अब जिग्नेश मवानी को आसाम ले गए पकड़ करके, क्या किया उन्होंने? तो ये जो जिनको पकड़ रहे हैं, धनंजय जी सिर्फ आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा, सिर्फ एक मिनट के लिए, जो बात आप कह रहे हैं तो ये स्क्रीन देखिए, ये 1998 से लेके 2017 तक के रिजल्ट हैं। तो ये जो 117, 127, 117, 115, 199 सीटें, ये सीटें लगातार जो बीजेपी की कम हो रही हैं, और ये जो वोट शेयर है वो आपकी स्क्रीन पे 1998 से लेके 2017 तक, इन सारे चुनावों में पाकिस्तान भी आता रहा है, दाऊद इब्राहिम भी आता रहा है, मुसलमान भी आता रहा है, ये सब होता रहा है। बिल्कुल, तो आप देखिए कि उसमें एक स्टेबिलिटी दोनों कैंप में है। अब अपनी बात रखिए आप। नहीं देखिए, स्टेबिलिटी है ठीक है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की सीटें लगातार बढ़ रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें हम 2017 की, तो 2017 में जो जीएसटी को लेकर के जो आंदोलन हुआ था खासकर सूरत में, और जिस तरह से पूरी दिल्ली की मिनिस्ट्री, तब तो एक बड़े रणनीतिकार के तौर पे आपके अरुण जेटली साहब भी थे, और अरुण जेटली साहब ने क्या किया ये आप सबको पता है अच्छी तरह से, और पूरा मंत्रालय उतरा हुआ था क्या, और मोदी जी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी दिखाई पड़ती थी। क्या इस बार मोदी जी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी दिखाई पड़ रही है? तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग धड़े वहां भी बने हुए हैं। जैसे मैं कहूं कि जय नारायण व्यास जो है एक अच्छे नेता माने जाते रहे गुजरात के, वो भी उनके साथ नहीं है। उसके अलावा अगर आप नेता के तौर पे देखें तो मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई दिल्ली से भी नेता नहीं जाता दिखाई पड़ रहा है जिसकी चर्चा वहां की जा सके गुजरात में। तो मुझे लगता है मोदी जी बहुत कमजोर हुए हैं और इस और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुई है। मजबूत इस तौर पे हुई है कि एक जो हताशा थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर कि नेता कौन है, जो 20 असंतुष्ट बैठे हुए थे वो सारे असंतुष्ट राहुल गांधी की यात्रा के बाद गायब है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और राहुल गांधी को लेकर के जो एक जनसमर्थन है, उस जनसमर्थन का असर आम गुजरातियों पे भी पड़ा है, और दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत सारे गुजराती रहते हैं, उन गुजरातियों ने भी देखा है कि किस तरह से मोदी जी के आने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है या घटी है, या देश की प्रतिष्ठा बढ़ी या घटी है। गांधी बेहतर आए कौन हो सकते हैं या सावरकर बेहतर आए कौन हो सकते हैं, ये जो बाहर गुजराती रह रहे हैं उनको भी दिखाई पड़ रहा है। और जो पढ़े लिखे गुजराती गुजरात के हैं, चाहे मुंबई में रहें, चाहे महाराष्ट्र के अलग शहरों में रहें या गुजरात में रहें, उनको दिखाई पड़ रहा है कि फाइनली जो है, देखिए गुजराती जो है बिजनेसमैन कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी सीधे झगड़ा करने उतरते नहीं है। वो जो है चुनाव के समय जब वोटिंग हो रही होगी तो देखिएगा इस बार दिखाई पड़ेगा उसका असर, और मुझे लग रहा है कम से कम इनको इस बार 20 सीटें कम मिलने वाली है बीजेपी को। बीजेपी की हालत कितना भी ये ढोल बजाएं, गोदी मीडिया बोले या हिंदू मुसलमान करें या जो करें, जितना झूठ बोलना है इन्होंने बोल दिया, कुछ बोलने के लिए बचा नहीं इनके पास। जी कुरैशी साहब। हाँ
सहल बोलिए बोलिए जी। बहुत सही बात कही धनंजय जी ने कि जो बीजेपी की तरफ से जो किया जा रहा है, क्योंकि सर देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि पटेलों का हमेशा से गुजरात में सरकार बनाने में बड़ा योगदान रहा है, अब कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा बढ़ चढ़कर पटेलों को वोट दिए। मैं वापस अपनी पुरानी दूसरी बात पर उसी बात पर वापस आऊंगा, आम आदमी पार्टी ने 46 पाटीदार उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 43 पाटीदार उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने महज 14 उम्मीदवार उतारे हैं। तो यहां पर जो होगा कि आम आदमी पार्टी नुकसान किसको पहुंचाएगी, क्योंकि पटेल पटेल उम्मीदवार रहेगा और वहां पर कांग्रेस पार्टी का कोड़ी या दूसरा कोई समुदाय का उम्मीदवार रहता है अगर, तो सीधी बात है अगर ये होता है, क्योंकि हमेशा से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, गुजरात चुनाव में अगर ऐसा कुछ होता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने टिकटें दी है और आम आदमी पार्टी बीजेपी के जो पाटीदार जो रहे हैं, तो ऐसे में अगर पाटीदार और बीजेपी के उम्मीदवार अगर आम आदमी पार्टी और दोनों अगर अंदर अंदर वो रहते हैं तो वहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन सूरत की जो बात बताई तो मैंने जैसा कहा कि सूरत में, क्योंकि आप देखिए हकीकत ये बात भी सही है धनंजय जी की कि केंद्र से ज्यादा कोई नेता लोग नहीं आ रहे यहाँ पर, जेपी नड्डा ने आके कुछ रैली की, शिवराज सिंह चौहान आ गए असम के आ गए, तो ये लोग आए, बाकी जो बड़े कदावर जो नेता हो गए राजनाथ सिंह वगैरह और ये, इनका कोई रोल गुजरात में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो गुजरात की कमान तो सीधे, क्योंकि अमित शाह देखिए गांधीनगर की जो सीटें हैं क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र आता है, 3 दिन से लगातार वो गांधीनगर में ही लगे हुए हैं, गांधीनगर से बाहर कहीं गए नहीं है वो। तो यही ये दिखाता है कि जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुजरात मॉडल की, आपने अगर इतना अच्छा काम किया होता तो आपको 3-3, 4-4 दिन तक आपको लगना नहीं पड़ता, आपको वैसे ही वोट मिल जाता। तो ये सही बात है धनंजय जी की कि बीजेपी की हालत बिल्कुल खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हालत खराब होने की पूर्ति जो है वो आम आदमी पार्टी ना कर दे कहीं बीजेपी के फेवर में। जी सहल, आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन देखिए जो आपकी बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ और धनंजय जी से भी कि बीजेपी का जो छटपटाहट है या बीजेपी का जो आप कहें कि असुरक्षा है या इतना जोर लगा रहे हैं, उसका एक वजह यह है कि केवल उनको जीतना नहीं है, उनको इज्जत भी बचानी है, इज्जत भी बचानी है। अगर वो 100 सीटों से कम आकर भी सरकार बनाते हैं तो मेडल नहीं मिलेगा। ये रास्ता 2024 के लिए जाता है यहां से, गुजरात से बिल्कुल। और अब वो अंदर अंदर काफी सुबुकाहट होना फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि भले ही नरेंद्र मोदी बनारस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन गुजरात है और गुजरात से अगर वो दूसरे इलेक्शन में और हिमाचल के जो ट्रेंड आ रहे हैं तो हिमाचल में सरकार जा भी सकती है, और गुजरात में अगर डबल फिगर में रहे तो मुश्किल में आएगा इनका पूरा मामला। संजय जी बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि अब समय भी खत्म हो रहा है, धनंजय जी और सहल के पास ही मुझे आना है, जो बात आप कर रहे थे कि अब हम देखें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बात को बार बार कर रहे हैं कि एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है इनके पास, और ये जो कम्युनल या पोलराइजेशन जिसको बहुत उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत की राजनीति में माना जाता है, गुजरात में उसका उतना असर नहीं होता है। सरकारें भले ही 27 साल से बीजेपी की बनी है, लेकिन वहां पे विपक्ष जो है वो नेस्त नाबूत नहीं हो गया जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या हरियाणा में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में हो गया। तो वहां पे हमेशा से एक विपक्ष जो है वो मजबूत रहा है, और अगले 10 दिन, अब आपकी बात पर आ रहा हूँ जो आप कह रहे थे कि जो मैं बहुत सारी बातें लोगों से कर रहा हूँ, मैं भी जब गुजरात गया था कुछ दिन के लिए और मैंने भी लोगों से बात की थी, एक महंगाई को लेकर, दूसरा कि यूथ को लेकर, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो यंग वोटर है, उसके ऊपर ये ट्रेडिशनल नैरेटिव नहीं काम कर रहा है, उसके पास एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, और वो भी वहां पे भी गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां पे उस तरीके की बेरोजगारी नहीं होगी जैसी यूपी बिहार में हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत जॉब्स प्रोवाइड करता है, लेकिन
एक रिच स्टेट की, एक प्रॉस्पर स्टेट की आकांक्षाएं भी ज्यादा होती जनता की, जनता के एस्पिरेशंस भी ज्यादा होते हैं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है और ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां पे, जिसको जिसको हम लोग 8 दिसंबर को जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि उसने कितना काम किया है। तो ये बचे हुए 10 दिन में जो रणनीति होगी बीजेपी और कांग्रेस की, वो आपके हिसाब से क्या रहेगा? देखिए, मैं पहले फर्स्ट टाइम वोटर और जो यूथ वोटर है, इसकी एक अच्छी संख्या, अच्छी खासी बड़ी संख्या है, 12 लाख। हाँ, 12 लाख, या अगर उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दें, जो फर्स्ट टाइम वोटर 2 चुनाव के पहले था, या तो मतलब 10 से 12 लाख, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहीं पे आएगा वो जी। तो इन लोगों में खास बात क्या है कि इन्होंने कोई दूसरा शासन गुजरात में देखा नहीं है। ये पैदा हुए हैं बीजेपी के राज में, बड़े हुए बीजेपी के राज में, और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं और कुछ सेकंड टाइम वोटर हैं बीजेपी के राज में, ये दोनों हैं। तो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर होंगे और कुछ होंगे वो यूथ हैं, वो सेकंड टाइम वोटर होंगे। तो इन्होंने किसी और का शासन देखा ही नहीं है। इनको लगता है, पहले इनको लगता था कि बीजेपी ही जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनका उम्र निकला जा रहा है, अब वो उस थ्रेशोल्ड पे आ गए हैं, 26 साल 27 साल की उम्र आ गई है उनकी। वो देख रहे हैं कि जो वहाँ नियुक्ति की परीक्षाएं हो रही हैं उसके पेपर लीक हुए जा रहे हैं। मुझे याद है आ रहा है कि पिछले 3 साल 4 साल में कम से कम 1 दर्जन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वहाँ लीक हो गए हैं। यानी आप तैयारी करते रहे संजय जी, एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसका पर्चा लीक ना हुआ हो। हाँ, तो वो सब लीक हो रहे हैं। तो अब उनके अंदर जो है, जो ये फर्स्ट टाइम वोटर जो बनने जा रहे हैं और या जो सेकंड टाइम वोटर हैं, उन्होंने बिल्कुल भरोसा खो दिया है। तो उनको सांप्रदायिक इशू पे, सांप्रदायिक मसलों पे जोड़ना और अपने पक्ष में उनको तैयार करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। यही प्रॉब्लम सीपीएम पश्चिम बंगाल में हुआ था कि जो लोग वहां पे पैदा हुए और बढ़े और जवान हो गए सीपीएम के राज में, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये हो क्या रहा है, नौकरी तो मिल नहीं रही है। तो वो आसानी से जब ममता बनर्जी वहां पहुंची तो वो उसके साथ चले गए। ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है, यही केजरीवाल इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब अचानक से ममता बनर्जी में शिफ्ट हो गए और एक बार गए तो आज तक वापस नहीं लौटे। केजरीवाल इन्हीं वोटर को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था और उसने ममता बनर्जी से यह मंत्र भी लिया होगा कि हाउ टू पेनेट्रेट, क्योंकि वो वोटर जो है वो उसने तो कांग्रेस का राज देखा ही नहीं है, उसको तो मोदी महान लगते हैं और लगते रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कुछ हो तो रहा नहीं। दूसरी बात जो एक मैं कहना चाहता हूं कि दो एक बहुत इंपॉर्टेंट कल से आज तक में कि जो मालधारी समाज है वहां का, उसने मीटिंग करके ये कहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। एक और बात हुई है कि मोदी जी वहां गए पोरबंदर के आसपास, लेकिन पोरबंदर नहीं गए, आप बिना पोरबंदर हुए वो वापस आ गए। इसका भी बड़ा भारी रिएक्शन है क्योंकि पोरबंदर में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है इस समय, और जो वहां मीटिंग्स हो रही हैं बीजेपी की नेताओं की, उसमें कुर्सियां खाली हैं, वो खाली कुर्सी को नेता भाषण दे रहे हैं, और 2-3 सभाओं में तो मोदी जी ने शायद सभा स्किप कर दिया किसी न किसी बहाने की, नहीं वो वहां जो है जनता नहीं आ पाई या कुछ अपने शेड्यूल को रिशेड्यूल होने का कुछ बहाना बना दिया गया कब बड़े नेताओं के द्वारा। तो ये सारी घटनाएं वहां हो रही हैं, जनता आ नहीं रही है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। जब ये परिस्थिति आ गई है अंतिम 10 दिनों में, इसीलिए अब जो है जो बीजेपी का आजमाया हुआ कार्ड है सांप्रदायिक कार्ड, वो खेलने की कोशिश पूरी ताकत से की जा रही है। जो सहल ने बताया, जो 2-3 घटनाओं का जिक्र किया आज, वो सब उसी ओर इशारा कर रही हैं कि उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर
एक सांप्रदायिक माहौल वहां खड़ा किया जाएगा और 10 दिन के अंदर उसको इतनी हवा दी जाएगी कि लोग वोट देने के बाद उसके बारे में सोच सके कि ये हमने क्या कर दिया फिर से। लेकिन हमें लगता है कि गुजरात की जनता इस बार कम से कम इन जो तमाम तरह के जो षड्यंत्र और साजिश की आवाज़ें आ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, शायद उसमें फंसने से बच जाए, क्योंकि वो सोच रही है, वो बोल रही है, वो विरोध कर रही है, वो नाराज है, वो इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी कर रही है। तो जब जनता बोलने लगे, जब जनता अपना गुस्सा दिखाने लगे, तो हमें लगता है कि जो सत्ता है उसको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और उसे समझ में आ जाना चाहिए कि अब वोटरों को बरगलाने का बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है। आवाज आपकी म्यूट है। एक प्रोसेस और है जो आप बात कर रहे हैं, उसी में ऐड कर रहा हूं मैं कि जनरेशनल चेंज हो रहा है, होता है। अब वो जनरेशनल चेंज में जो गोधरा का या 2002 का जो इम्पैक्ट, वो लगातार अगर आप बीजेपी की सीटें देख रहे हैं कि कम हो रही है जीतने के बावजूद भी, उसका एक संकेत ये भी है कि 2002 का इम्पैक्ट है वो जनरेशनल चेंज में लगातार वो डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, नए तरीके का पोलराइजेशन है, नए तरीके के नारे है, जो घटनाएं अभी सहल ने बताई हैं वो सब भी हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम पोलराइजेशन था 2002 वाला, वो डाइल्यूट होता जा रहा है। और अब 8 दिसंबर को जब हम नतीजे देखेंगे तो जैसा अनुपम खेर प्रोग्राम बनाते हैं उसका नाम है कुछ भी हो सकता है, तो पता नहीं कुछ भी ना हो जाए। सहल, में आखिरी में आपके पास आऊँगा धनंजय जी से कमेंट लेकर, और जब बात करेंगे कि फर्स्ट फेज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो वो सीटें हैं फर्स्ट फेज की, वो क्या कहती हैं, क्योंकि वहीं से एक ट्रेंड चलेगा आगे के लिए। धनंजय जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। हाँ जी, क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही थी कुछ पीछे से। देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है कि लगातार वहां पे नरेंद्र मोदी 3-4 दिन जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लगातार कैंप कर रहे हैं, अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता, कांग्रेस की तरफ से भी अशोक गहलोत और राजस्थान की कैबिनेट और रघु शर्मा और कौन कौन वहां पे महीनों से पड़े हुए हैं या आना जाना बराबर बना हुआ है, तो ये तो हो रहा है वहां पे दोनों तरफ से। एक मैं आपसे स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर गुजरात में पड़ेगा, एक बात, और वो क्या असर भारत जोड़ो यात्रा का वोटर पे पड़ेगा डायरेक्टली या कांग्रेस के वर्कर के मनोबल पे पड़ेगा, जिसका रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स वोटर में आएगा। धनंजय जी, देखिए प्रशांत भाई, दोनों पे असर पड़ेगा, वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे भी असर पड़ रहा है इसका, और जनता पे भी असर पड़ रहा है कि उनके सामने एक दूसरा ब्रांड सामने खड़ा हो रहा है। अब तक हम यही चुनाव में देखते रहे कि मोदी नहीं तो कौन, कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं है, राहुल गांधी को पप्पू बनाया था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पे पूरे देश में उभरे, गुजरात देश से अलग नहीं है। लेकिन मैं उससे भी एक इतर बात करूं दो लाइन में कि देखिए, मोदी जी ने पिछले पांच सालों जो ये दूसरी लोकसभा उनकी जो हुई, दूसरा प्रधानमंत्री काल हुआ, उस काल को अगर देखें तो इन्होंने न केवल देश भर में नेताओं को खत्म कर दिया, बल्कि गुजरात में भी नेताओं की पीढ़ी को खत्म कर दिया इन्होंने, और हर जगह आप समझिए विजय रूपानी जी के पूरे मंत्रिमंडल को हटा दिया, नितिन पटेल जैसे बड़े नेताओं को हटा दिया, या और भी कई सारे नेता इस बार भी जो मंत्रिमंडल है, भूपेंद्र पटेल और वगैरह वगैरह, उनकी क्या हैसियत है, क्या उनके नाम पे कहीं चुनाव होने की बात की जा रही है? तो हर जगह जनता भी देख रही है और बीजेपी के भीतर के नेता है वो भी देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में या पिछले 4 वर्षों में मोदी जी के अलावा बीजेपी में कोई नेता नहीं है। पहले होता था कि देश में मोदी जी के अलावा
अलावा कोई नेता नहीं, अभी हो रहा है बीजेपी में मोदी जी के अलावा कोई नेता नहीं। तो जो नेताओं के अंतर विरोध है या जो मोदी जी के प्रति जो मोदी जी का जो अपना भाव है कि मैं सबसे सुप्रीम है ना, राम से भी बड़े ये हो गए उत्तर प्रदेश में और गुजरात में जो है पता नहीं भगवान शिव से भी आगे हो गए होंगे, गांधी से तो आगे हो ही गए थे। तो ये जो है जनता, ये अहंकार, ये अभी ये जो दूसरों को दबाने का काम करते हैं, और जिस तरह से वीडियो लीक होते हैं कि जहां केदारनाथ जाएं या कहीं और जाएं, झूठ मूठ करके हाथ हिलाते हैं, वो झूठ मूठ करके नेताओं से मिलते हैं, वीडियो बनवाते हैं और जो दिखाते हैं वो सब जनता देख रही है और ये हास्यास्पद है। तो नेताओं के भीतर भी ये है कि भाई मोदी जी को अगली बार अगर बढ़ाओगे तो ये भस्मासुर है, सबको निपटा देगा। और लगता है कि एक मोदी ही दुनिया में इस देश में समझदार व्यक्ति हैं, तो मुझे लग रहा है इसका असर प्रशांत भाई दिखेगा और मोदी जी को बहुत जोर का झटका लगेगा धीरे से। जी जी कुछ दर्शक ईवीएम पर बात करने की बात कर रहे हैं, उनको मैं कह दूं कि देखिए ईवीएम एक लगातार मुद्दा है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठाती हैं इसको उस तरीके जिस तरह से उठाना चाहिए। पूरी दुनिया में बड़े लोकतंत्र में भारत अकेला देश है जहाँ पे बैलेट पेपर चुनाव नहीं होता है और उस पर उसको लगातार उसको लेकर संशय है। लेकिन ईवीएम का या इलेक्शन कमीशन का जो रोल है चुनावों में उसको बहुत ज़्यादा सवालों में आया है और अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें दखल दे रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एक सकारात्मक आपको इम्पैक्ट आने वाले गुजरात के चुनाव में दिखाई देगा। अब शहर में आपके पास आता हूँ और आखिरी पहले फेज की जो 89 सीटें हैं 19 जिलों की, इसमें कुछ जो प्रमुख जिले हैं कच्छ, मोरबी, राजकोट, सूरत, भावनगर, अमरेली। अब मोरबी की घटना हुई है, मोरबी में 3 सीटें हैं मोरबी जिले में और वो तीनों सीटें कांग्रेस की हैं। कच्छ में 6 सीटें हैं और 6 में से 4 बीजेपी की हैं, 2 कांग्रेस है। इसी तरीके से आप देखिए कि राजकोट में 6 सीटें हैं, 8 सीटें हैं 6 बीजेपी की और 2 कांग्रेस की, 2 कांग्रेस। सूरत का मैंने बताया कि 16 में से 15 बीजेपी की है, जहां आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। भावनगर में 7 सीटें, 7 में से 6 बीजेपी की। अमरेली में से 5 में से 5 कांग्रेस की। ये अमरेली के बारे में भी आप जब बताइएगा कि ये इलाका क्या है दर्शकों को और यहाँ पे कांग्रेस इतनी मजबूत क्यों है कि 0 है बीजेपी। ये तस्वीर ऐसी ही रहने वाली है या इसमें कोई शिफ्ट आप देख रहे हैं या आखिरी के कुछ दिनों में जिस तरीके के नारे आ रहे हैं, जिस तरीके की रैलियां हो रही है, जिस तरीके के पोस्टर देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप देख रहे होंगे कि उसका वो किस तरफ जा रही, डायरेक्शन क्या है। और यही आप ही की बात पे हम इस चर्चा को आज हम विराम देंगे। ठीक है सर, देखिए इसमें देखना होगा कि वोटिंग पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें 2017 में तो ये जो सीटें जो बताई और खासकर जो दक्षिण गुजरात की जो सीटें हैं और सौराष्ट्र की जो सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में जो लास्ट टाइम जो पहले फेज का 89 सीटों में जो वोटिंग हुआ था तकरीबन 66.75% वोटिंग वहां पर हुआ था। और उसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि जो नर्मदा और तापी जो आदिवासियों के इलाके हैं वहां पर तकरीबन 79 और 80% वोट वहां पर हुआ था और उसमें जो बीजेपी ने जो सीटें जीती थी। इस बार पैटर्न कैसा होगा? कच्छ, मोरबी, ये जो बातें आपने कही सर, यहां पर मैंने जैसे बताया कि 33 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अमरेली की आपने बात कही, अमरेली में कोली समाज है। अमरेली इसलिए भी क्योंकि 2012 से पहले के जो चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस का इतना ज्यादा नहीं था। परेश धानानी जो बाद में कांग्रेस के विपक्ष के नेता बने गुजरात विधानसभा में, वो अमरेली से आते हैं, पूरी अमरेली की जिम्मेदारी उन पर रहती है। 2012 में उन्होंने चुनाव वहां से जीता, 2017 में वहां से उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद अब वहां पर उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अमरेली से मोदी सरकार के एक मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, वो भी अमरेली से आते हैं, पूरी कोशिश में वो भी लगे हुए हैं। तो जो अभी का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल बदलने का थोड़ा सा वहां पर लगता है बदलेगा वहां पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया
मोरबी अमरेली में अमित शाह ने एक बयान दिया परसों या कल ही बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि गुजराती भाइयों 1 जनवरी 2024 का अपना टिकट बुक करवा लो, राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये वही दिखा रहा है कि उनको किस तरीके से अपने वोट को बनाए रखना। कांग्रेस पार्टी जैसा कहा मोदी जी ने जो कहा था कि अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, अशोक गहलोत, रघु शर्मा, ये ज्यादातर लोग जो हैं सौराष्ट्र में ही जोर दे रहे हैं, सौराष्ट्र में ही अंदर खाने पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि सौराष्ट्र जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी 33, उसी को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बरकरार रखे उसके लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। और दूसरा जो आपने कहा कि जो द्वारका वगैरह की जो जगहें हैं जहां से इशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा उम्मीदवार है, क्योंकि आपने जो संजय जी ने जो बात कही कि पंजाब के किसानों का ऐड गुजरात में क्यों दिखाया जा रहा है, वो इसलिए दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है वो अपने आप को जो उनकी इमेज बनी थी जब वो एंकर हुआ करते थे एक चैनल के अंदर, तो वो किसानों को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम किया करते थे और उसी से उनको बहुत मकबूलियत मिली। उन्होंने एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक प्रोग्राम करने के लिए वो पहुंच गए उस जगह पर जहां पर 50,000 किसान पहुंच गए थे उनके प्रोग्राम के अंदर, संभाल पाना मुश्किल हो गया था। तो उसी किसान वोट को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए और इसी के लिए आम आदमी पार्टी का जो पंजाब का किसानों का जो एडवर्टाइज है वो इसीलिए गुजरात में दिखाया जा रहा है। लेकिन जो आपने कहा प्रशांत जी कि किस तरीके से क्या इसमें कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, तो मैं यही कहूंगा कि सौराष्ट्र जो है बीजेपी को हमेशा से बीजेपी वहां से वोट लेने का करती है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने पटेल उम्मीदवार कम किए हैं सौराष्ट्र में भी, कौली समुदाय पर ज्यादा भरोसा दिखाया है, तो यकीनन कांग्रेस पार्टी यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को यहां पर फायदा शायद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। धनंजय जी आप बड़ी मुश्किल से जुड़े लेकिन जुड़े रहे, और सहल कुरैशी आपने गुजरात से जो पर्सपेक्टिव दिया, और संजय कुमार जी, और आप तीनों की बात से एक निचोड़ में निकाल कर और रिस्क लेकर, बहुत रिस्क लेकर मैं ये कह रहा हूँ, और 8 तारीख को हम फिर बात करेंगे कि गुजरात का चुनाव दो पक्षी होने जा रहा है, ट्रायंगुलर फाइट नहीं है वहां बिल्कुल भी बिल्कुल। और ये इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि क्योंकि मैं जान रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तो पेड न्यूज अखबारों में चलती थी, मीडिया में और अखबारों में खासकर, वो पेड न्यूज दिख जाती थी कि किसका प्रोफाइल लिखा जा रहा है फोटो लगाकर, और इलेक्शन कमीशन भी हर असेंबली सीट पे या जिलों जिलावार उसका एक ऑब्जर्वर बनाता था पेड न्यूज का। लेकिन अब तो जो विज्ञापन के माध्यम से, बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन के माध्यम से पूरे पूरे मीडिया हाउस खरीद लिए गए हैं, दिल्ली से या देश के दूसरे हिस्सों से पत्रकारों को अपने खर्चे में भेजा जा रहा है। हाँ सर, आपके बाद आ जाता हूँ। तो उसमें उन रिपोर्ट्स को पढ़ के अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव में हो क्या रहा है। और संजय जी, आप लोग सब लोग इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कई बार और अक्सर सर्वे कंपनियों के आकलन गलत हो जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल करेस्पोंडेंट के आकलन सही साबित होते हैं। कितने चुनाव में देखा, लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि आप किस पे विश्वास करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम हो गया। आखिरी आपने बहुत अच्छी बात की कि मीडिया जो है ना वो बाकायदा बीजेपी के प्रचार में लग गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अहमदाबाद के अंदर वाड़ाज एक इलाका है, उससे आगे जाए तो राणी, जो नरेंद्र मोदी है उनका मकान वगैरह है, वहां पर एक बहुत बड़े चैनल का एक बहुत बड़ा तकरीबन 30x40 का एक होर्डिंग्स लगा था, चैनल का होर्डिंग्स था, लेकिन वहां पर किसी एंकर की फोटो नहीं थी, वहां अमित शाह की बहुत बड़ी फोटो थी उसके अंदर, उसके अंदर मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी फोटो थी, उसके अंदर गुजरात के गृहमंत्री की बहुत बड़ी फोटो थी। यानी आचार संहिता के बाद में जब इनकी फोटो नहीं लग सकती तो चुनाव की जो पूरा जिम्मा है वो इन चैनल वालों ने संभाल लिया। ये बहुत सही बात कही सर आपने जी, और इसी के साथ हम आज का ये चर्चा जो है उसको कंक्लूड करते हैं, और गुजरात में और भी चर्चा करेंगे सहल के साथ, धनंजय जी के साथ, संजय कुमार जी के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहें। और जैसा मैंने ये इसके शुरुआत में कहा था कि ये जो आखिरी के 10 दिन हैं, ये जो स्लॉग ओवर है, आखिरी ओवर्स हैं,
ये आखिरी ओवर ही जो है वो रन रेट कितना कौन बनाता है इसी पे ये मैच जो है वो तय होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और कल फिर 8 बजे किसी नए इशू के साथ आप लोगों के साथ होंगे। नमस्कार।